केंद्रीय जांच ब्यूरो के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में बड़ा खुलासा किया। ईडी ने एक दिन पहले नई चार्जशीट में दावा किया कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अलग अलग चैनलों के जरिए 622.67 करोड़ रुपए हासिल किए। दिल्ली नई आबकारी नीति के तहत जिन चैनलों के जरिए उन्होंने पैसे हासिल किए उनमें POC क्रेडिट नोट, हवाला चैनल और डायरेक्ट किक बैक शामिल है। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक साउथ ग्रुप ने विजय नायर को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। इंडो स्पिरिट्स ने मनीष सिसोदिया और विजय नायर के सहयोग से L लाइसेंस हासिल किया। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू की और भ्रष्टाचार का मामला तूल पकड़ने पर उसे सितंबर 2022 में रद्द कर दिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में बड़ा खुलासा किया। ईडी ने एक दिन पहले नई चार्जशीट में दावा किया कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अलग अलग चैनलों के जरिए 622.67 करोड़ रुपए हासिल किए। दिल्ली नई आबकारी नीति के तहत जिन चैनलों के जरिए उन्होंने पैसे हासिल किए उनमें POC क्रेडिट नोट, हवाला चैनल और डायरेक्ट किक बैक शामिल है। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक साउथ ग्रुप ने विजय नायर को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। इंडो स्पिरिट्स ने मनीष सिसोदिया और विजय नायर के सहयोग से L लाइसेंस हासिल किया। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू की और भ्रष्टाचार का मामला तूल पकड़ने पर उसे सितंबर 2022 में रद्द कर दिया।